नमस्कार, हमारे साथ में जिससे आज पी पी एस राणा जी, आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन हुआ है, क्या कुछ हुआ है यहाँ पर त्रिवेणी ज्योति संस्थान में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खासकर अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन बहुत तेज़ी से त्रिवेणी अपने कदम बढ़ाए हैं। बहुत त्रिवेणी ज्योति संस्थान बहुत आगे बढ़ गया है। आज इन्होंने जो ये अंतर्राष्ट्रीय ज्योति महासम्मेलन यहाँ करवाया है जी, तो इसने एक न्यू दिल्ली के अंदर रखी है, क्योंकि पहला कार्यक्रम दिल्ली के अंदर वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है त्रिवेणी ज्योति संस्थान की, और इसमें हमारे बहुत बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य आए, जिसमें हमारे डॉक्टर पी डी गुप्ता साहब वाराणसी से, जो वहाँ के होरा शास्त्रम के संपादक भी हैं और भारतीय ज्योतिष संस्थान के डायरेक्टर हैं, वो आके उन्होंने अपना यहाँ में समय दिया और बहुत सुंदर वक्तव्य हमारे बीच में दिया। डॉक्टर एच एस रावत साहब, जो टी वी में हमेशा आते रहते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम हमें दिया। हमारे सारे जितने पार्टिसिपेंट थे उनको सम्मानित भी किया, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। आचार्य रमेश सेमाल जो रुड़की से आए हुए थे, वो हमारे साथ सुबह से शाम तक रहे। बहुत बड़ा अच्छा सा उनका वक्तव्य कर्मकांड के ऊपर और धर्म और शास्त्रों के ऊपर उन्होंने बोला। खासकर ज्योतिष सरल कैसे हो, इस पर खास चर्चा हुई। हाँ, बहुत एक समारे हमारे सभी ज्योतिष, जिसमें वीपी गोयल साहब का भी यही लेक्चर था, हमारे आचार्य अरुण बंसल साहब ने भी, कि ज्योतिष को हम कैसे बहुत सादे सूत्रों से हम किसी की प्रेडिक्शन कर सकें, सभी का इस पर जोर था। और ये चीज़ें हैं कि हम उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान चीज़ों से हम लोगों की प्रेडिक्शन कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। खासकर त्रिवेणी ज्योतिष प्रश्न कुंडली से शुरू किया था और आज अब यहाँ पर विभिन्न विषयों पर आप चर्चा की है, उसमें वास्तु पर भी खास चर्चा हो रही है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। पहली हमारी जो वर्कशॉप हुई वो बड़ी सक्सेस रही थी, उसी का परिणाम था कि मेरा और ये त्रिवेणी ज्योतिष संस्थान का जो साहस था जी, बिल्कुल। खासकर ज्योति अखिलेश और इनका भी बड़ा साहस था उसमें ना। जी जी, खासकर ऐसे सम्मेलनों से कितना फ़ायदा हो पाता है ज्योतिषाचार्य को? नहीं, मेनली तो फ़ायदा इसलिए होता है कि एक तो हमारा ज्योतिष का प्रचार प्रसार होता है, और यहाँ पे विभिन्न हमारे अच्छे अच्छे ज्योतिषी जो आए, और भी हमारे जो बीच के ज्योतिषी हैं उनको भी यहाँ पे चांस मिला बोलने का, उससे हमारा ज्ञानवर्धन होता है। हम अपने अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर करते हैं, जो हमारे अनुभव होते हैं, तो उससे काफ़ी जितने लोग होते हैं सबको फ़ायदा मिलता है किसी भी चीज़ से। जी, आप त्रिवेणी ज्योतिष संस्थान को क्या आप शुभकामना देंगे, अगला क्या कदम होगा इनका? बिल्कुल, मेरी तो उनके साथ शुभकामनाएं हैं सद। अगला भी आप कुछ जरूर संदेश दिए होंगे कि अगला कुछ कार्यक्रम ऐसा करो जिसे और बहुत जल्दी ही आपको सूचना मिल जाएगी। बहुत जल्दी एक बड़ा कार्यक्रम ये त्रिवेणी ज्योतिष संस्थान करेगा, और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वर्कशॉप तो उनकी कम से कम महीने दो महीने में एक वर्कशॉप वो करवाते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पी पी एस राणा जी बता रहे थे, खासकर त्रिवेणी ज्योतिष संस्थान जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, निश्चित तौर पर आगे आने में एक कदम और भी आगे है। कैमरा पर्सन सुभाष साथ मानवी, नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और साइड में लगा हुआ बेल बटन दबाएं।